आज हम लोग फिर से नेट वाला पेपर जो कि 11 से 16 सितंबर के बीच होना है, आज फिर हम उसका पार्ट टू लेके आए हैं। और हमने क्या किया है कि बोर्ड में लिख दिया है, इसी प्रकार से पैटर्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले एक ही अनुच्छेद लिखा है, किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था, उसी तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे, वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण दूसरे तालाब पर उड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। कछुआ भी तैयार था लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। कछुए ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरों को पकड़ लेंगे, वह उस लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लेगा, जिससे तीनों मित्र एक साथ एक ही तालाब में रहेंगे। हंसों ने सहमत होकर कहा, लेकिन तुम रास्ते में बात न करने लगना, नहीं तो नीचे गिर कर मर जाओगे। कछुए ने कहा, वह शांत रहेगा क्योंकि वह मूर्ख नहीं है। योजना अनुसार वे उड़ गए। रास्ते में कुछ लोगों की बात सुनकर कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपनी जान खो बैठा। तो हमें कभी भी फालतू बातों में ना पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। बेटा बताओ तीनों मित्र कौन कौन थे? ठीक है, इधर आ जाओ। किसे दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी? ठीक है। तीसरा, मित्र का विलोम? मित्र का शत्रु। विलोम क्या होता है? ठीक है। अगला कह रहा है, मूर्ख का पर्यायवाची? ठीक है। पर्यायवाची क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के अनेक नाम हो लेकिन वो एक ही। हाँ, एक ही चीज के अलग अलग हो लेकिन वो चीज एक ही हो। चलिए आगे बताइए, दी गई संख्या को शब्दों में लिखो। बताओ बेटा। ठीक है, 6,42,95,813। अगला कह रहा है, दी गई संख्या में 8 का स्थानीय मान बताओ। ठीक है, 8 के बाद में 5 अंक हैं तो 50 हो गए। अगला कह रहा है, हल करके गुणा हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, ए नंबर। अगला, ऐसी प्रश्न नंबर 8 में जोड़ने पे क्या आ जाएगा? बी नंबर। कह रहा, विच मंथ कम्स आफ्टर अक्टूबर? अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। क्या आता है? तो 9 का ए नंबर हो जाएगा। 9th का कौन सा नंबर हो जाएगा? ए। दसवें में क्या कह रहा है, विच पेयर इज ऑफ अपोजिट वर्ड? बिग ह्यूज, बिग माने बड़ा, ह्यूज माने बड़ा, अपोजिट नहीं है। इन और इन साइड, सब दोनों अंदर अंदर की बात कह रहा है, वो भी नहीं है। कम गो, आना और जाना, सी नंबर हो जाएगा। दसवें का क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ। और ग्यारहवें में कह रहा है, आई मेक हाउसेज आई एम, तो लेबर क्या करता है? लेबर भाई ढो ढो के देता है, ठीक है, लेकिन वो बनाता नहीं है, मिस्त्री बनाता है। फार्मर किसान खेती करता है। अगला लिखा है मासोन, या मे या सोयन, मैसोन या मासोन, राज मिस्त्री बोलते हैं जो कि घर बनाता है, और टीचर पढ़ाता है, घर तो बनाता नहीं है। तो 11वें का हो गया सी नंबर। कौन सा? ठीक है। अगला 12वां नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए, तो क्या होगा? चंद्रमा। अभी चंद्रयान 3 जो हुआ है वो चंद्रमा के उपग्रह में ही पहुंचा है। आपके पहले 9 ग्रह थे, अब हो गए कितने? 8। एक जो प्लूटो नाम का ग्रह है उसको हटा दिया गया है क्योंकि उसको बौने ग्रह में रख दिया गया है। और जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने 23 साल की उम्र में पता लगा लिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो आर्यभट्ट नहीं होगा, शुक्र एक ग्रह है ये भी नहीं होगा, और सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है ये भी नहीं होगा, चंद्रमा एक उपग्रह है, ये हो जाएगा आपका। तो 12वें का क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके।